आज मैंने चलाई का साग बनाया है। ये बहुत टेस्टी और गर्मियों में बनने वाला साग है। इसके लिए हम चलाई लेंगे। ये चलाई गर्मियों में अपने आप उग जाती है, ऐसा दिखता है इसका पौधा। इस पौधे को मैंने तोड़ लिया है। इसके साथ मैंने पालक और बाथू भी लिया है। पालक और बाथू भी मेरे घर में उगा हुआ था, वो लिया है मैंने। ये पालक और बाथू है। अब हम चलाई को तोड़ लेना है हमने। ये देखिए, ऐसे इसको पकड़ेंगे, इसके साथ वाले जो पत्ते हैं उनको निकालते जाएंगे। ऊपर वाले बीज जो हैं उनको हमने नहीं डालना है। इस बीज से आप दोबारा चलाई उगा सकते हैं। ऐसे पत्ते को तोड़ते जाएंगे, बीज को हमने इसमें नहीं डालना है। इसी तरह हम पालक और बाथू को भी तैयार कर लेंगे तोड़ के। आप पालक या बाथू कोई एक चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ऐसे पालक को भी हम तोड़कर तैयार कर लेंगे। साग को मैं तोड़ने के बाद धो लूँगी। इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद हम इसको काट लेंगे। अब एक कुकर में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब थोड़ी सी हमने चना दाल लेनी है, आधी कटोरी से भी थोड़ी कम। साग को हम गर्म पानी में डाल देंगे, ऊपर से नमक और हरी मिर्च डालेंगे। चना दाल को मैंने धोकर इसमें डाल दिया है। अब हम इसको पकने देंगे। 1 सीटी होने के बाद हमने धीमी आंच पर इसको कम से कम आधे घंटे तक पका लेना है। आधे घंटे बाद हमारा साग पक चुका है, दाल जो है वो नरम हो चुकी है। अब हम इसको एक पतीले में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे, 1-1 चम्मच करके डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। वैसे तो इसमें मकई का आटा डलता है, लेकिन गर्मियों के कारण वो नहीं मिला मुझे। आप चाहें तो पानी में घोलकर भी आटा इसमें डाल सकते हैं, उससे ये गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी इसमें। ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसमें इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक इसको मत कीजिएगा, वरना स्वाद नहीं बनेगा। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने देसी घी लिया है। देसी घी डालने के बाद हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें। इनको थोड़ा पकाने के बाद इसमें हमने प्याज डाल देना है। प्याज को डालने के बाद हम अच्छी तरह पका लेंगे। प्याज को तड़के को अच्छी तरह तैयार करना है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले चेक किया है साग में थोड़ा सा नमक कम था। वैसे भी साग में थोड़ा नमक कम रखिएगा, क्योंकि साग बनने के बाद क्वांटिटी में कम हो जाता है। अब चेक करने के बाद मैंने इसको नमक डाला है और हमारा तड़का तैयार हो गया है। इसमें अब हम साग डालते जाएंगे, 1-1 कड़छी करके डालेंगे। सारा साग मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको पका लेंगे 10-15 मिनट के लिए। ये बबल्स छोड़ना शुरू कर देता है और वो शीटें जो हैं बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ढककर धीमी आंच पर 10-15 मिनट के लिए पकने देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, फिर से मिक्स कर देंगे। हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर तेज आंच पर 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे और हमारा साग बनकर तैयार है। इसको अब हम निकाल लेंगे बाउल में। ये देखिए, गर्मा गर्म हमारा साग बन गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मक्खन डालने के बाद मैंने हरी मिर्च से इसे गार्निश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।